टंडोल यार की रिहायशी निसार कायम खानी ने एडवोकेट अख्तर हुसैन लगारी के जरिए सीनियर सिविल जज 2 की अदालत में 26/8/2019 को दरख्वास्त दायर की कि एस्को वापडा टंडोल यार ने गैर कानूनी तौर पर मुझे डिडक्शन का 1.5 लाख रुपए बिल अरसाल करके मेरी बिजली काट दी, जिसको बहाल कर दिया जाए और एस्को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तियाजी जारी करते हुए एस्को अफसरान को हदायत की कि वो सारिफ की बिजली को बहाल कर दे और मजकूरा केस के फैसले तक सारिफ स्टे आर्डर पर होगा। हेस्को ने सारिफ निसार कायम खानी के ट्यूबवेल की बिजली बहाल कर दी और अदालत को आगाह किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद हेस्को वापडा ने हुक्म इम्तियाज होने के बावजूद मजकूरा सारिफ की बिजली काट दी, जिस पर सारिफ ने अपने वकील एडवोकेट अख्तर हुसैन लगारी के जरिए अदालत में हेस्को अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत होने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने गुज़िश्ता रोज हेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव हैदराबाद एक्सन हेस्को टंडोलयार, एसटीओ सब डिवीजन 1 खावर मेमन, रेवेन्यू ऑफिसर टंडोलयार हेस्को, मीटर रीडर लाइन सुप्रीटेंडेंट रिफत मेमन और लाइन मेन राशिद अली लगारी को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए तमाम अफसरान को जाती हैसियत में मौरखा 28 जुलाई 2020 को तलब कर लिया। कैमरा टीम के साथ तारिक हमीद अब्बासी, HNN न्यूज टंडोलयार।